हेलो गाइस, वेलकम टू सिंपल स्निप कोड। और ये मेरी तीसरी वीडियो है इस प्लेलिस्ट में, और इसमें हम सीखेंगे स्वैपिंग। स्वैपिंग दो तरह से हो सकता है, द फर्स्ट वन इज़ विद वेरिएबल एंड द सेकंड वन इज़ विदाउट वेरिएबल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विद वेरिएबल के साथ। उससे पहले समझ लेते हैं कि स्वैपिंग क्या होता है। तो सपोज़ कीजिए हमारे पास दो कंटेनर है। जो पहला कंटेनर है वो कंटेन करता है वाटर, दूसरा कंटेनर है वो कंटेन करता है मिल्क। ओके, हम लोग इसको कुछ नाम दे देते हैं। पहले कंटेनर का नाम है ए और दूसरे कंटेनर का नाम है बी। अब हमें इन दोनों के बीच में स्वैपिंग करना है। दिस इज आवर मेन मोटो। सो उसके लिए हम लोग एक तीसरा कंटेनर ले लेते हैं, जिसका नाम हम लोग रख देते हैं टेम्प्ररी और टेम्प। पहले हम लोग करते हैं, हम लोग वाटर को उठा के टेम्प वेरिएबल में डाल देते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो एक कंटेनर है वो खाली हो जाएगा। सो इसके बाद मिल्क को उठा के ए में डाल देते हैं। इससे क्या होगा, हमारा बी खाली हो जाएगा और ए में मिल्क आ जाएगा। इसके बाद वाटर को उठा के बी में डाल देते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो एम था वो पूरा हो जाएगा, स्वैपिंग हो जाएगा इससे। सो देखते हैं कि इसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। हम क्या चाहते हैं, जब हम अपना प्रोग्राम रन करें तो आउटपुट में यूज़र से दो वैल्यू मांगी जाए। सो हम एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, इंटर टू नंबर। इसके बाद यूज़र दो नंबर इंटर करेगा, लाइक 10 एंड 20। हम इसके बाद दो वेरिएबल बना लेते हैं, विच इज फर्स्ट वन इज ए एंड सेकंड वन इज बी। नाम रख लेते हैं इसका ए बी। सो इसके बाद फर्स्ट वेरिएबल को उठा के ए में डाल देते हैं एंड सेकंड वेरिएबल को उठा के बी में डाल देते हैं। इसके बाद अब हमें स्वैपिंग परफॉर्म करना है, तो एक अनदर वेरिएबल बना लेते हैं, विच इज 10। नाम रख लेते हैं इसका 10। अब हमें परफॉर्म करना है अपना स्वैपिंग। सो सबसे पहले 10 को उठा के टेम्प में डाल देते हैं, जिससे हमारा एक खाली हो जाए, और एक खाली हो जाएगा तो उसमें हम बी डाल देते हैं। हमारा आधा वक्त हो चुका है। अब 10 को उठा के सिंपली बी में डाल देते हैं, जिससे हमारा स्वैपिंग हो जाएगा। तो चलते हैं अपने कोड ब्लॉक्स की ओर और परफॉर्म करते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन। सो स्टार्ट विथ including some file, after that using namespace std, after that just move on our main function with return 0। So जैसा कि हमें पता है, इस प्रोग्राम को करने के लिए हमें तीन वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले वो बना लेते हैं। ओके, फिर एक मैसेज प्रिंट करते हैं आउटपुट स्क्रीन पे, जिससे यूज़र दो नंबर इंटर कर सके। सो इंटर टू नंबर। ओके, नंबर को वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। इसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लाइक टेम्प में असाइन कर देते हैं ए की वैल्यू, ए में असाइन कर देते हैं बी की वैल्यू, और बी में असाइन कर देते हैं टेम्प की वैल्यू। ओके, आफ्टर दैट प्रिंट कर देते हैं मैसेज आफ्टर स्वैपिंग।
फॉर एंड द लाइन सी आउट ए इज इक्वल टू ए सम स्पेस फॉर नाइस लुकिंग एंड बी इज इक्वल टू बी. हो गया, रन करते हैं. सर इंटर टू नंबर 10 एंड 20. आफ्टर स्वैपिंग ए इज इक्वल टू 20 एंड बी इज इक्वल टू 10. सो इस वीडियो के लिए इतना ही. अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें. थैंक यू.